वो देखो। चलिए दादाजी, यहाँ तो दुनिया भर से मजिशियंस आए हुए हैं। हाँ रुद्रा, साल की तरह इस बार भी दुनिया भर के मजिशियंस इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में भी हम सबको कुछ नया दिखाने और सिखाने का मौका मिलेगा। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैं सबकी तरफ से अपने मैजिकल वर्ल्ड के रूल्स फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि बिना रूल्स के हम मजिशियंस का आम इंसान के साथ मिल जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। सर मैजिस्टिको, मैं आपको बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, पर जहां तक मुझे मालूम है ये कॉन्फ्रेंस तो मास्टर मजिशियंस की है, फिर यहाँ पर ट्रेनी मजिशियंस को क्यों बुलाया गया है? ट्रेनी मजिशियन? कौन ट्रेनी मजिशियन लेकर आया है? ट्रेनी? जैसे रुद्रा को लेकर आया है। रुद्रा यहाँ है? हाँ, यहाँ पर है रुद्रा। सर मजिस्टिको, मैं अपने साथ अपने ग्रैंडसन रुद्रा को लेकर आया हूँ। ये उम्र में छोटा है पर ट्रेनी मजिशियन नहीं है। ये अपने मैजिक से मास्टर्स को भी टक्कर दे सकता है। मैंने सोचा रुद्रा को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं इसे वापस घर भेज दूंगा। इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। सारे मास्टर मजिशियंस के सामने जयसिंह चौहान पानी पानी हो गया। जयसिंह, तुम्हारा कहना है कि रुद्रा एक अच्छा मजिशियन है तो उसे ये साबित करके दिखाना पड़ेगा। लाओ उसको बीच में लाओ और मुकाबला करवाओ। हाँ हाँ, मजिशियन सोनिक सही कह रहा है। हाँ, हो जाए मुकाबला। रुद्रा, तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए बहुत छोटे हो। अभी भी वक्त है, लौट जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो कूदो। वो क्या है ना, इतनी कम उम्र में खुद को मास्टर मैजिशियन कहना ठीक नहीं है। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। ये इतना फास्ट है कि दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, इसे देखे बिना कैसे अटैक करूं? मजिशियन सोनिक, पीछे से वार करने में कौन सी बहादुरी? अच्छा, तो इस वार से बचकर दिखाओ। क्या हुआ रुद्रा, निकल गया तुम्हारा सारा मैजिक? इस बिद्दी को मैं नहीं छोड़ूंगा।
चलो सोनिक उठो, क्यों सबके सामने हमारी इंसल्ट करवा रहे हो? उठो और मारो उसको, वो एक नन्हा सा छोटा सा लड़का है और तुम मजिशियन सोनिक। विंस्टन, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, पर ये मुकाबला उन दोनों के बीच है तो उन्हें ही निपटने दो, तुम बैठ जाओ। देखा तुम सबने, वो रुद्रा मेरी स्पीड के आगे नहीं टिक सकता। ट्रेनी को मास्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या हो रहा है? ये बच्चा क्या कर रहा है? थैंक यू दादाजी। रुद्रा तुम सच में एक स्ट्रॉन्ग मजिशियन हो, तुमसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, बट रूल्स आर रूल्स। सर मजेस्टी को मैं समझ सकता हूँ, आपने मुझे अपना मैजिक दिखाने का एक मौका दिया, उसके लिए थैंक यू दादाजी। मैं घर जाता हूँ। कॉन्फ्रेंस शुरू होने में थोड़ी देर हो रही है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज से दो दिनों तक मजिशियंस की ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, अभी से दो दिन तक किसी भी मास्टर मजिशियन का बाहर की दुनिया से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होगा। अगर कोई वापस जाना चाहता है तो वो अभी जा सकता है, हम सबका समय कीमती है, इसीलिए मुझे कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई रुकावट नहीं चाहिए। मैं अपनी ये इंसल्ट कभी भूलूंगा नहीं। अरे, विंस्टॉर्म, तुमने अपने भाई की इतनी बड़ी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर ली? उस रुद्रा ने सबके सामने मजिशियन सोनिक का इतना बुरा हाल किया, क्या तुम उससे बदला नहीं लोगे? रुद्रा अपने घर अकेला गया है, दो दिन तक जयसिंह चौहान यहाँ से नहीं निकल सकता, तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है, उससे बदला लो। तुम ठीक कहते हो। जय सिंह, अब तुम्हारे रुद्रा का क्या होगा? अच्छा हुआ तुमने उस मैजिशियन सोनिक की सारी अकड़ निकाल दी। और अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें वापस भेज दिया, हम तो यहाँ बहुत बोर हो रहे थे। रुद्रा, तुम्हें मैजिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अपने मैजिकल टैबलेट से जादू सिखाऊंगा। इस छोटे से टैबलेट में बहुत सारे मंत्र हैं। देखो मैं मैजिक से चाय नाश्ता बनाता हूँ। अकड़ बकड़ बम्बे बो, चाय नाश्ता तैयार हो। वाह,
रंगीला, ये टैबलेट सच में कमाल की होगी, पर आपने मंत्र बोलते वक्त दादाजी की बात को याद नहीं रखा। फोकस एंड बिलीव, आपसे मैजिक हम बाद में सीख लेंगे। चलो मायरा, हम लोग मार्केट में जाके आइसक्रीम खाते हैं। अचानक से तेज हवा कैसे चलने लगी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने सबके सामने मेरे भाई सोनिक की इतनी इंसल्ट की और पूछते हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। विंडस्टॉर्म मैजिशियन, मैंने आपके भाई की कोई इंसल्ट नहीं की, वो तो सिर्फ अपने अपने मैजिक स्किल्स दिखाने का कॉम्पिटिशन था। आपके भाई ने मुझे चैलेंज किया और वो हार गए, उनसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तुम्हें जो करना था कर लिया, पर अब मैंने उस बात को पर्सनल ले लिया है। तुम्हारी वजह से मेरे भाई को शर्मिंदा होकर कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। अब तुम देखो कि कैसे विंडस्टॉर्म के विंड्स की ताकत से उड़ जाते हैं बड़े बड़े धुरंधर। विंडस्टॉर्म है नाम मेरा। कहा था ना कि विंडस्टॉर्म के कमांडर से उड़ जाते हैं बड़े बड़े धुरंधर। अब देखो मेरे मैजिक स्किल्स का कमाल। ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो देख लो। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए विंडस्टॉर्म। सब बर्बाद हो गया, कोई रोको ये सब। रुद्र, रुद्र कहाँ हो तुम? रुद्र मायरा वरुण कोई नहीं दिख रहा, अब तो मुझे दादाजी को खबर करनी ही होगी। कर भला तो हो भला, मैं कब से भाग रहा हूँ, एक इंच आगे नहीं बढ़ पाया अभी तक। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। पैलेस जाओ और मेरे स्वागत की तैयारी करो। विंडस्टॉर्म मैजिशियन खुद को क्या समझता है? सिर्फ वही विंड चला सकता है, हम भी विंड क्रिएट कर सकते हैं, बस हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आ जाओ प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मायरा, इस विंडस्टॉर्म मैजिशियन से लड़ने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। ठीक है रुद्रा, तुम सब तक सोचो, मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। अंतर मंतर काली कलंतर विंड क्रिएटो। मायरा, अपनी बार मैं पहले से ही अलग था। बच गया। मायरा, तुम्हारे मैजिक के वजह से मुझे विंडस्टॉर्म को टक्कर देने का आइडिया मिल गया है। दादाजी हमेशा कहते हैं, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपनी हिम्मत और पेशेंस कभी नहीं खोना चाहिए। पहले फोकस करना है कि प्रॉब्लम क्या है और फिर खुद पर विश्वास करते हुए उसका सलूशन निकालना होगा। मायरा, मैं तो तुमसे कुछ फुट की दूरी पर ही बैठूंगा, तुम्हारे मैजिक का कोई भरोसा नहीं है। Oh!
तो मैं साफ करती हूँ। ये तुम मुझे साफ कर रही हो कि और गंदा करवा रही हो? तुम अपना मैजिक अपने पास ही रखो, मैं खुद साफ कर लूंगा। जय सिंह, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो। सर मजिस्टिको, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अभी सन सिटी के लिए निकलना होगा। सन सिटी खतरे में है। जय सिंह, मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस समय वहाँ मौजूद रहो, पर मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि रूल्स के मुताबिक तुम कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले यहाँ से नहीं जा सकते। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो बाकी मास्टर्स भी सवाल जवाब करेंगे। हर किसी की कोई ना कोई इमरजेंसी हो सकती है। अगर तुम गए तो एक एक करके सभी लोग रूल तोड़ेंगे। पर सर मजिस्ट्री को, रुद्रा को मेरी जरूरत है। जय सिंह, तुम हमारे फाउंडर मेंबर्स में से एक हो। तुम एक बार कॉन्फ्रेंस छोड़कर गए तो फिर कभी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन पाओगे। ये ना तुम्हें अच्छा लगेगा और ना ही मुझे। तुम्हारा रुद्रा बहुत बहादुर है। वैसे भी तुम्हें कभी ना कभी तो उसे इंडिपेंडेंट होने देना पड़ेगा, तो समझ लो वो दिन आज ही है। सर मजिस्टिको, शायद आप सही कह रहे हैं, मैं यहां रुकूंगा। अरे वाह, सूप तो बहुत अच्छा दिख रहा है। जाओ कुछ और बनाकर भी लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। विंस्टो मजिशियन, अब आपको जो भी खाना पीना है अपने घर जाकर खाइएगा। ओह, तो तुम फिर लौट आए? हाँ, लौट आया। मैंने आपको कहा था ना, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पर कभी शक मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा। तो फिर ये लो। सिबाइस्का बॉल क्रिएटो। रुद्रा, तुम्हारी ये कमजोर दीवार विंडस्टॉर्म के बवंडर को रोक नहीं सकती। बाईस का सिबाइस का बूम चिक चिक बूम। इबाइस का बॉल क्रिएटो। अंतर मंतर काली कलंतर बॉल क्रिएटो। बारो, मुझे बाहर निकालो, मैं सांस भी नहीं ले सकता। थैंक यू रंगीला। सिबाइस्का बूम चिक चिक बूम। मुझे बाहर निकालो रुद्रा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंस्टॉन, ये तो तब होगा जब आप यहाँ रुक पाएंगे। बाय बाय, फिर कभी नहीं मिलेंगे। सिबाइस्का सकूम फ्रायु। काश दादाजी ये सब देख रहे होते। वो तो देखकर कितने। देख रहा हूँ रुद्रा। जय सिंह चौहान, तुम्हारा रुद्रा सच में बहुत जांबाज मजिशियन है। इतनी छोटी सी उम्र में समझदारी और संयम का बेजोड़ तालमेल है। आप सब भी देखिए विंडस्टॉर्म किस तरह अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आगे से किसी ने भी अपने मैजिक का गलत इस्तेमाल किया तो
उसके मास्टर मजिशियन का टाइटल कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर मजिस्टिको।